सेल्फ रिस्पेक्ट है और जो ईगो है, क्या दोनों सेम है या अलग अलग है? ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर पर्यायवाची होते, समानार्थी शब्द होते, तो फिर कहा जाता कि दोनों इक्वल हैं। हर जगह समझाया गया कि वो इक्वल नहीं, एक ही भावना नहीं होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट का अर्थ होता है जहाँ पर व्यक्ति थोड़ा स्वावलंबी है। स्वावलंबी का अर्थ होता है कि उसे पूरा उसकी पूरी श्रद्धा इस बात में कि भगवान ने उसमें, उस व्यक्ति में, भगवान ने हमें बहुत सारे ऐसे गुण दिए हुए हैं जिसके आधार पर हम अपना कार्य सिद्ध कर सकते हैं। इसे कहते हैं स्वावलंबी व्यक्ति, इसे कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, इसे कहते हैं आत्मविश्वास, आत्मसम्मान। जहां पर हम जानते हैं कि भगवान ने हर व्यक्ति को गुण दिए हुए हैं और हमें भी गुण, बहुत सारे गुण दिए हुए हैं, बस हमें अब उनको समझना है और उसमें निखारना है गुणों को, उसे और उन गुणों को चमकाने का प्रयास करना है। तो ये हो गया आत्मसम्मान के बाद, सेल्फ रिस्पेक्ट के बाद, या सेल्फ इंडिपेंडेंस जिसे कहते हैं, स्वावलंबी होना। ईगो का अर्थ होता है जहां पर हमें लगता है कि हमारे अस्तित्व का सम्मान बाकी लोगों ने करना चाहिए, उसे कहते हैं ईगो। अक्सर ईगो शब्द का अंग्रेजी में यही अर्थ होता है, जिसे कहते हैं अहंकार। अहम करोति इति अहंकार, हम करता है और हर किसी ने इसे स्वीकारना चाहिए, तो उसे अहंकार कहा जाता है। एक अहंकार का, हमारे वैष्णव सिद्धांत के अनुसार अहंकार का एक शुद्ध स्वरूप भी होता है, जिसे कहते हैं सही अहंकार या सही अहम जिसे कहते हैं। और उसके लिए जो पर्यायवाची शब्द है, सही अहंकार के लिए पर्यायवाची शब्द है सेवक भावना। अपने आप को, अपने आप में यह श्रद्धा होनी चाहिए कि हम सेवा कर सकते हैं, उसे कहते हैं सेवक की भावना, कि हम सेवा करने में समर्थ हैं। तो जहां पर हम, हमारी समझ ये होती है कि हम सेवा करने में समर्थ हैं, हम सेवा करने में आनंद प्राप्त कर सकते हैं, तो उसे योग्य अहंकार कहा गया। अहम करोति वहां पर सही होगा, क्योंकि अहम, हम जो है सेवा कर रहे हैं, तो सेवा करोति, सेवा हम करते हैं, तो उसे योग्य माना गया। अंग्रेजी में उसके लिए ईगो शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता, उसको ट्रू ईगो करके ऐसे कभी प्रयोग नहीं किया गया, किंतु ट्रू ईगो शब्द का शायद प्रयोग कर ले ऐसे कहीं। ईगो का अर्थ अक्सर अर्थ जो है नकारात्मक दृष्टिकोण से लिया गया, ठीक है। तो जहां पर हम दूसरों से यह अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं कि वह हमें कर्ता समझे, वह हमें श्रेष्ठ समझे, वहां पर यह मिथ्या अहंकार की बात आ जाती है, फॉल्स ईगो की बात आ जाती है। ट्रू ईगो है जो सही ईगो है या अहंकार है, उसे कहा जाता है सेवक भावना या सेवा भाव रखना। सेवा भाव का योग्य उसकी परिभाषा यह होगी कि सेवा करने का सामर्थ्य हमारे,